नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी किचन चैनल। दोस्तों इस चैनल पे आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आया हूँ, ये रेसिपी है बथुए का साग रेसिपी। दोस्तों बथुए का साग बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी टाइप की रेसिपी होती है और खास करके विंटर में काफ़ी इसे पसंद किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बथुआ काफ़ी सारे औषधीय गुणों से भरा होता है और इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खास करके मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम और उदर रोग से संबंधित कई बीमारियों में लाभदायक होता है। यहाँ पर हमने आधा के जी बथुआ लिया है और इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से धो करके साफ करके रख लिया है। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर टमाटर एक मीडियम साइज का, एक मीडियम साइज का प्याज, साथ ही 10 से 12 लहसुन की कली और 2.5 से 3 इंच का अदरक लिया है, बिल्कुल छील करके रख लिया हमने यहाँ। अब जो मीडियम साइज का टमाटर था हमारे पास उसको हमने यहाँ पे बारीक काट लिया है, साथ ही एक मीडियम साइज का जो प्याज था उसको भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है और जो हमारे पास 10 से 12 लहसुन की कली थी उसको भी हमने यहाँ पे आप कूट भी सकते हो, हमने यहाँ पे बारीक काटा है। उसके बाद हमने यहाँ पे अदरक को भी बिल्कुल बारीक काट लिया, आप इसे कूट भी सकते हैं। साथ ही मसाले में यहाँ पे सूखी लाल मिर्च लिया है 4 से 5, मेथी 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, सरसों 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच, हींग चुटकी भर यूज करना है हमें। और साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही हमने लिया यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला। दोस्तों इस साग में हमें ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो साग का नेचुरल टेस्ट खो जाएगा। इसके बाद हमने जो यहाँ पे सामग्री लिया है एज पर टेस्ट नमक लेना है, स्वाद अनुसार नमक हम लेंगे। अब हम एक कुकर लेंगे और जो साफ करके हमने साग रखा था उस साग को इस कुकर में डाल देंगे। ये देखिए इस टाइप से हमने डाल दिया, कुकर फुल हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद एज पर टेस्ट हल्का सा नमक डालना है इसमें अभी, ताकि साग बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल जाए। इसके बाद इसका ढक्कन हम बंद नहीं करेंगे, अभी ऊपर से ढक करके 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। अब देखिए साग एडजस्ट हो चुका है, नीचे जा चुका है, बाकी बचे साग को भी हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल सावधानीपूर्वक डालेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि कुकर हमारा गर्म है। ये देखिए बाकी बचे सारे साग को इसमें डालने के बाद फिर से हम ढक्कन से ढक करके ढक्कन ऊपर से ही ढकेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारा साग बिल्कुल अंदर तक जा चुका है, अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखिए इस टाइप से हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया और ढक्कन बंद करने के बाद इसमें 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी लग चुकी है, अब हमने गैस को बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद सारे स्टीम निकलने देंगे इसे 10 से 15 मिनट तक। जब सारा स्टीम निकल जाएगा उसके बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और ढक्कन हटाने के बाद अब बिल्कुल ठंडा तो नहीं हुआ है बट हम इसको जार में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए एक छन्नी के सहारे जितने साग हैं सबको हम उठाएंगे और एक जार में डाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको एक जार में डाल लिया है और जार में डालने के बाद जार का ढक्कन अब हम बंद करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए साग को हमने ग्राइंड कर लिया है, साग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे गर्म होने के लिए और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें सरसों साग के लिए सरसों तेल का टेस्ट ही अच्छा आता है। यहाँ पर हम डालेंगे सरसों, राई, सौंफ, मेथी, अजवाइन, जीरा, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च, इन सबको हम एक साथ इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे जब तक हमारा जीरा और राई फूटने ना लगे। जब जीरा और राई फूटने लगेगा इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी हींग, चुटकी भर हींग, और इसके बाद फिर से हम इसको चलाएंगे। आधी मिनट तक बिल्कुल हल्का सा सुनहरा जब जीरा होने लगेगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ और इसको भी करीब आधी मिनट तक हम फ्राई करेंगे। इसमें जब लहसुन का कलर हल्का सा सुनहरा होने लगेगा इसको करीब आधी मिनट तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसी में डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद इसको भी हम करीब आधी मिनट तक पकाएंगे। इसको इस टाइप से चलाते हुए इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। हल्का सा सुनहरा होने तक इसे प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है हमें। ये देखिए हमारा प्याज
हल्का सा सुनहरा हो गया, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारा टमाटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घुल जाए। ये देखिए नमक डालने के बाद थोड़ा सा चला करके एक मिनट के लिए इसको ढक देंगे। एक मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और थोड़ा सा टमाटर बिल्कुल घुल चुका है, थोड़ा सा चम्मच के सहारे से प्रेस करते हुए इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसके बाद इन मसालों को मिक्स करते हुए हल्का सा मैश भी कर देंगे टमाटर को, ताकि टमाटर बिल्कुल मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल जाए। इसके बाद जो हमारे पास साग था, जो जिसे हमने ग्राइंड किया हुआ है पहले से, इस साग को भी इस तड़के में डाल देंगे। और इस साग को हमें करीब ज़्यादा देर पकाना नहीं है, क्योंकि साग को हम ऑलरेडी बॉईल कर चुके हैं, और जो कुकर में बचा हुआ पानी था उस पानी को भी हमें वेस्ट नहीं करना है। जिस जार में हमने साग पीसा था उसी जार में पानी डाल के, और वो पानी भी इस साग में हम ऐड कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी अगर लगे आपको की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी और आप डाल सकते हैं, और इसको करीब 2.5 से 3 मिनट तक हमें पकाना है। इसमें जब तक उबाल ना आ जाए इसको हम चलाते रहेंगे इसी टाइप से। अब देखिए इसमें उबाल आ चुका है, इट मीन्स हमारा साग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों इसे सर्व करने के लिए अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सावधानीपूर्वक इसको निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। दोस्तों आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आपको इसमें चाहें तो बटर भी डाल के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे टाइप का टेस्ट आएगा। दोस्तों बथुआ का साग सिर्फ विंटर में ही मिलने वाली रेसिपी है, उसे तो अब हर एक सीजन में मिल जाता है, बट जो विंटर में मिलता है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइप का बथुआ होता है। और दोस्तों बथुआ बहुत सारे आयुर्वेदिक गुणों से भी भरा होता है, तो इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।